हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीयू का जो एग्जाम हुआ है 24 नवंबर को, उसके जो दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम हुआ है दो शिफ्टों में हुआ है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे, देन सेकंड का देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट शिफ्ट में हमारा क्वेश्चन था, जनगण मन जो है सबसे पहले कौन से अधिवेशन में गाया गया था। तो ये जो है 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के जो है कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और जनगण मन जो है भारत का राष्ट्रगान है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है गिरी हुई पेंसिल को उठाने में मदद करता है। तो इसका जो आंसर होगा सेरिबेलम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के किस जिले में है। तो ये जो है तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत माधु दौला का मकबरा कहाँ पर है। तो ये जो है आगरा यूपी में है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कौन से मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो यह जो है प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। और रिवार्ड राशि की बात करें तो 25 लाख होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो होगा इसका आंसर मलाला यूसुफ जई होगा। बोनालो उत्सव और बट्टुकामा उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये जो है तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंजर का किला कहाँ पर है। तो कलिंजर का जो किला है उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बांग्लादेश पाकिस्तान का किस वर्ष से किस वर्ष तक पाठ था। तो ये जो है 1947 से 1971 तक पाठ था। हैदराबाद रियासत का भारत में जो है विलय कब हुआ था। तो ये जो 1948 में हुआ था। और विभाजन के बाद जो है हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान ने यह फैसला किया था कि हैदराबाद जो रियासत है वो ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान में शामिल होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के 24वें गवर्नर कौन थे। तो RBI के जो 24वें गवर्नर थे वो उर्जित पटेल थे 2016 से 2018 तक। और RBI के जो है वर्तमान में 24वें गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के वर्तमान कोच कौन है। तो आइगोर स्टीमैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया रोग किससे संबंधित है। तो ये जो है ब्लड कैंसर से संबंधित है। टिस्को का मुख्य प्लांट कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे जो होगा NaHCO3 इसका सूत्र होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाइड्रोजन के परमाणु पूछ रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है। और अगर सूक्त की बात करें तो 1028 सूक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा अंगूर की खेती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो ये जो होता है 746 वाट होते हैं। काफ़ी अच्छी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2 अमावस्या के बीच कितने दिन होते हैं। तो ये जो होगा 29 या 30 डेज होता है। यहाँ पे अगर ऑप्शन में 29.5 देता है तो ये भी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 किससे संबंधित है। तो ये जो असमानता कम करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गोवर्धन मठ कहाँ पर है। तो ये जो है उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में स्थित एक मठ है। और यह जगन्नाथ मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य काम में नहीं लगाया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में है। तो ये जो है आर्टिकल 24 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है। तो ग्रीक भाषा में जो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वो अंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 समर ओलंपिक जो है कहाँ पर हुआ है। तो ये जो है सिडनी न्यू साउथ वेल्स में ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा सिडनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST कब लागू हुआ है तो ये जो है 1 जुलाई 2017 को हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग का गठन किस वायसराय ने किया था। तो ये जो है लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को किए थे। और सर विलियम हंटर की अध्यक्षता जो है में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और इसमें जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक कौन है। तो कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक सोमदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, LTTE
श्रीलंका में यह विश्व का एक प्रमुख आतंकवादी और उग्रवादी संगठन था। LTTE क्या है? श्रीलंका में जो है यह विश्व का एक प्रमुख आतंकवादी और उग्रवादी संगठन है, और इसमें जो है टी का मतलब पूछ रहा है, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम होगा। अगर फर्स्ट टी की बात करें तो टाइगर्स हो जाएगा, अगर सेकेंड टी की बात करें तो यहाँ पर तमिल होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, समर ओलंपिक में जो है बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये जो है पीवी सिंधु होगा, और इनके जो है 2016 में सौरम समर ओलंपिक में ये रजत पदक जीती हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सार्क का प्रथम समिट जो है कब आयोजित होता है? तो ये जो हुआ था बांग्लादेश ढाका में होता, 6 से 8 दिसंबर 1985 में, और इसकी स्थापना जो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को हो गई। यहाँ पे जो है सार की फुल फॉर्म मैंने कल भी बताया हुआ था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में प्रथम लोकसभा आम चुनाव कब हुआ था? तो ये जो 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी है, MS धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्रिय या नोवेल गैस जो है रेडियो एक्टिव है? तो रेडान इसका आंसर होगा। रिवोल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में जो है पुरुषनी नदी किस नदी को कहा जाता है? तो रावी नदी को कहा जाता है। स्थलीय घोंगा किस संघ का सदस्य है? तो ये जो है फाइलम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किए थे इस बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व, और जून 1928 में गुजरात में हुआ यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो है आर्टिकल 244 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो काफी इजी क्वेश्चन है, मिट्टी का अध्ययन जो है पेडोलॉजी में किया जाता है। ऑप्टिकल माउस क्या है? तो ऑप्टिकल माउस जो हार्डवेयर इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कौन सी राजधानी है? तो ये जो है नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों में मौजूद येलो पाउडर को क्या कहा जाता है? तो पराग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो ये जो है वायुमंडल के दबाव को मापन किया जाता है बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम फीफा वर्ल्ड कप कब आयोजित किया गया था? तो ये जो 1930 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहाबाद का नाम किस शासक के पुत्र के नाम पर है? तो फिरोज शाह तुगलक के इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने 9 जनवरी 2020 में नया लोगो लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जो होगा अरुणाचल प्रदेश होगा। गंधमाल हल्दी किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 22 अक्टूबर 1764 को कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये जो हुआ था बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार जो है विंबलडन कप कब खेला गया था? तो ये जो है 1877 में खेला गया था सबसे पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये जो है शरद अरविंद बोबडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GNP की जो है फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया का कहा जाता है। बायोलॉजिक क्वेश्चन काफी अच्छा था। ओके, तो फ्रेंड्स आज तक का हमारा वीडियो यहीं तक का था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर ये जो है डेफिनेटली हेल्प करेंगे, अगर आने वाले आपको शिफ्ट में एग्जाम्स हैं तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी, तो आपको ये जो है फ्रेंड्स के साथ अपने जरूर शेयर करें। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।